के तुमान और तरोड़ी गांव में बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो वहीं अन्य कुछ लोग गंभीर घायल हो गए थे। इस घटना में मृत महिला के परिजनों और घायलों के घर पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय मंत्री सुनील केदार ने भेंट देकर परिवार को सांत्वना दी। तरोड़ी के धान के खेत में 9 सितंबर को बिजली गिरने से तुमान की पुष्पा दुर्योधन बगड़े की मृत्यु हो गई थी। बबीता अकिन गायकवाड़ तो प्रमीला घोड़मारे, सुनीता कोंगी, वंदना हारोड़े, सोनू घोड़मारे यह घायल हो गई थी। मृत पुष्पा को ऋषभ और श्रद्धा नाम के दो बच्चे हैं। सिर से मां का साया छिनने से प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने से 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता व अन्य शासकीय योजनाओं में से तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मंत्री केदार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए। इस मौके पर जिला परिषद के कृषि सभापति तापेश्वर वैद्य, तहसीलदार रूपानी, तुलसीराम कार्मिक, पुरुषोत्तम राउत सहित स्थानीय अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि बिजली के झटके से घायल हुई प्रमिला घनश्याम घोड़मारे की पूछ परख करने के बाद उसको तुरंत नागपुर के शासकीय वैद्यकीय अस्पताल में आगामी उपचार के लिए तारसा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एम्बुलेंस से भेजा गया। सुनीता कोंगी, वंदना हारोड़ी और सोनू घोड़मारे की हालत के बारे में भी मंत्री केदार ने पूछ परख कर सांत्वना दी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।